हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिका का ढाबा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले उसके लिए हम घर पे ही बेस भी बनाएंगे, तो आप मार्केट से भी बेस ला सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, मैदा, रिफाइंड फ्लोर, उसको मैंने बीच में मैंने जगह खाली कर लिया ताकि जो हमारे सामान है उसको मैं डाल सकूँ। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के अप्रोक्स चीनी लिया है, आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ड्राई ईस्ट ले रही हूँ। अगर आप ड्राई ईस्ट एक्टिवेट करके डाल रहे हैं तो आपको एक्टिवेट करने में भी शुगर लगेगा, तो आप इस टाइम शुगर जो है वो अवॉइड कर सकते हैं मैदे में डालना। इसको मैं एक्टिवेट करके नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं गुनगुने पानी में हमारे आटे को गूंदूंगी, जिसकी वजह से ईस्ट थोड़ा टाइम लेके एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 चुटकी के अप्रोक्स नमक ले रही हूँ। नमक ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ वो आपके ईस्ट को बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे देखिए मैंने गुनगुना पानी लिया है और ये बिल्कुल हाथ सहने भर हम पानी लेंगे, जिसमें हमारा हाथ उस पानी को बर्दाश्त कर सके। अब मैं सारी चीज़ों को मैंने सूखे आटे में अच्छे से मिला लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं रोटी के जैसा मैं एकदम सॉफ्ट आटा यहाँ पे बना लूँगी। आप अच्छे से एकदम इसको प्रेस करते हुए धीरे धीरे आप आराम से इसको गूँधें, जैसे आप रोटी का आटा बनाते हैं। अब यहाँ पे फ्लोर को मैंने ग्रीस कर लिया है, मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने आटा बना के रखा है उसको मैं फ्लोर पे निकाल लूँगी और इसको मैं अच्छे से इसको मैं दोनों हाथों की मदद से इसको 10 मिनट तक मैं अच्छे से मैं इसको गूंदूंगी। और जब भी तेल का ज़रूरत आपको महसूस हो, जब आटा आपके हाथ में ज़्यादा चिपकने लगे, तो आप अपने हाथ को ग्रीस करें और इस आटे को अच्छे से गूंदें। बीच बीच में आप आटे को अपने हाथ के बीच में स्ट्रेच करके देखें, अगर ये आटा बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो रहा है, टूटता नहीं है, तो मतलब आपका आटा बन चुका है। यहाँ पे मेरा आटा नहीं बना है इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। बीच बीच में मैं स्ट्रेच करके देखती रहूँगी। जब आटा स्ट्रेच हो तो अब हमें समझ में आ जाता है कि वो उसमें ग्लूटेन जो है वो फॉर्म हो चुका है। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है। अब देखिए हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है, ना फर्श पे लग रहा है, हमारा आटा बिल्कुल बन चुका है, वो बहुत स्ट्रेची हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस आटे को जिस बर्तन में हमने बनाया था उस बर्तन को मैं ग्रीस करूँगी। ग्रीस करके मैं इस आटे को इस पे रख दूंगी और 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे साइड में, ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो सके और हमारा आटा जो है वो फूल सके। इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर भी ग्रीस करूंगी, अगर आप इसके ऊपर ग्रीस नहीं करते हैं तो आटे के ऊपर पपड़ियां जम जाएंगी। इसको मैंने एक कॉटन क्लोथ से ढक करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए 2 घंटे के बाद हमारा आटा कितने अच्छे तरीके से फूला है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो हमारा आटा है वो फूल चुका है, ईस्ट कितना अच्छे से एक्टिवेट हुआ है। अब हमारा ये डो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है बेस बनाने के लिए। अब अच्छे से जो बर्तन था उसको क्लीन करके अपने आटे को बाहर निकालें और इसको हम हल्के हाथ से थोड़े देर के लिए इसको हम सेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे चिकना कर रही हूँ ताकि जो हमारा डो है या फिर जो उसके हम पेड़े बनाने वाले हैं बेस के लिए वो फटाफटा ना हो। अब इसको मैं इक्वल हिस्से में काट लूँगी। इतने आटे का आप 3 पिज़्ज़ा, नॉर्मल पैन साइज पिज़्ज़ा आप 3 बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल मीडियम साइज के स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े बना रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन सब का सिर्फ 2 डो लें, 2 पेड़े बनाएं 2 बेस के लिए। अब इसको मैं हाथ में अच्छे से चिकना कर लूँगी। चिकना करने के बाद इसको हम बेलन की मदद से इसके हम गोल गोल रोटियाँ जैसे जितने आकार में जितने बड़े में हम इसको गोल बनाएंगे, बट मोटा बनाएंगे क्योंकि ये पिज़्ज़ा का बेस है। जब आप थोड़ा सा इसको बेल लें तब इसको बेलना छोड़ दें
और अपने दोनों हाथों से इसकी किनारी को हम मोटा कर लेंगे। देखिए ऐसे हम टैप कर करके इसको हम इसकी किनारी को मोटा कर लेंगे, क्योंकि बीच में सब्जियां होती हैं तो जो दोनों के बीच का जो पार्टीशन होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है। अब हम इस बेस, हमारा जो बेस है वो तैयार है। यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिए हैं इस शेप में, शिमला मिर्च काट लिया है इस शेप में, आप किसी भी शेप में काटिए आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है इस शेप में। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जिसको मैं कद्दूकस करके यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने अमूल का पिज़्ज़ा चीज़ लिया है मोज़रेला। आप यहाँ पे चाहें तो मोज़रेला चीज़ के साथ साथ प्रोसेस्ड चीज़ या चीज़ स्लाइस जिसको हम बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ रेसिपी, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने किसान का पिचकू लिया है। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, इसके ऊपर मैं मैदा छिड़क दूंगी। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल है तो आप उसको डालिए, जो हम बाहर में पिज़्ज़ा खाते हैं उसके नीचे मकई का ही आटा होता है। अच्छे से इसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए मैदा से। इसके ऊपर हम बेस को 10 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो आप अपने सारे बेस को 10-10 मिनट के लिए पका के आप इसको रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए, और आप उस बेस को लगभग एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं जैसे आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। पे देखिए अगर आपकी थोड़ी सी शेप बिगड़ जाए तो आप इसको फिर से शेप दे दीजिए हाथ की मदद से। यहाँ पे मैं फॉर्क की मदद से इसमें छेद बना दूंगी, नहीं तो जो हमारा बेस है वो फूल जाएगा। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप चाहें तो कुकर या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे OTG में बेक कर रही हूँ जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा था 250 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए अपने पिज़्ज़ा बेस को बेक करूंगी। अगर आप कढ़ाई या तवे में बना रहे हैं तो आप आराम से कढ़ाई या तवे को गर्म करके उसमें बेस 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखें, आपका बेस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा बेस कितना अच्छे तरीके से, कितना पतला बेस मैंने डाला था और ये बेस कितना अच्छे तरीके से 10 मिनट में ही फूल गया है। अब इसके ऊपर मैं टोमेटो केचप लगाऊंगी। अगर आप बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टोमेटो केचप से पहले अच्छे से बटर लगा दें बेस में, और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस केचप की जगह पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल करें। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाना चाहते हैं तो आप टोमेटो केचप में फ्राइड अनियन और चिली फ्लेक्स या सीजनिंग डाल के आप उसको मिक्स कर लीजिए, और फिर आपका जो पिज़्ज़ा सॉस होगा आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा ये टोमेटो केचप से। अच्छे से आप स्प्रेड करें टोमेटो केचप को या पिज़्ज़ा सॉस को। अब मैं इसके ऊपर सब्जियां लगाऊंगी। आप सब्जियां भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप टॉपिंग्स के रूप में और भी कई सब्जियां यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पनीर, मशरूम, कॉर्न, जब सब आपकी मर्जी पे है, जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप डालिए बनाइए। ये सब्जियां हमारी कच्ची है जिसके वजह से हमें यहाँ पे ना जो हमारा साल्ट है वो हम स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो ब्लैक साल्ट या वाइट साल्ट जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारा चीज़ था मोज़रेला उसको मैंने अच्छे से ग्रेट करके रखा, यानी कद्दूकस कर लिया है, तो उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। आप इसका डबल ट्रिपल या फोर्थ अमाउंट में भी चीज़ डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। प्री हीटेड ओवन, तंदूर या फिर OTG में, या फिर आप अगर गैस पे भी बना रहे हैं तो आप इसको जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसको प्री हीट करें, और उसमें मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए बनाइए। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। ये सीजनिंग्स भी मैंने घर पे बनाए हैं, और मैंने यहाँ पे सीजनिंग और चिली फ्लेक्स एक साथ रखे हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। इसका वीडियो मेरे
चैनल पे है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है। बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा, आप खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।